तो दोस्तों, सुमाड़ी गांव की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है और अब हम दोबारा से गाड़ी में बैठ के निकल पड़े हैं माता रानी के एक सिद्ध पीठ की ओर। और मैं आपको बता दूं कि वह सिद्ध पीठ पौड़ी गढ़वाल में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और उनका नाम है देवलगढ़, जहाँ पे है माँ राजराजेश्वरी का एक भव्य मंदिर। तो चलिए, इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा देवलगढ़ मंदिर का पूरा इतिहास। तो दोस्तों, आपको देखिए लाल गेट दिख रहा होगा, तो वहीं से हमको जाना है। और एक गेट उधर कोने में भी, यहाँ से आपको कैमरे में शायद दिखेगा नहीं। तो ये आ गया मंदिर का गेट और यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से रास्ता जाता है गांव के लिए। तो दोस्तों, ये है माँ राजराजेश्वरी प्रवेश द्वार। तो यहाँ से सीधा रास्ता ये मंदिर तक जाता है, हम यहीं से होके जाएंगे। और साथ में मैं आपको मंदिर के बारे में जो इतिहास है, जो कथाएं हैं, वो मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। हम स्टाइल में आए ना। तो दोस्तों, देवलगढ़ का जो ये मंदिर है, ये देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में स्थित है। और जो ये नाम यहाँ का पड़ा है देवलगढ़, वो कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के एक राजा थे देवल, उनके नाम पे ये नाम पड़ा है यहाँ का देवलगढ़। तो उन्होंने यहाँ पर सन 1512 में वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर इस देवलगढ़ स्थान को बसाया था, तो उनके नाम से ही यह देवलगढ़ हो गया। और यही नहीं, 16वीं शताब्दी में यह स्थान गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। उस समय गढ़वाल के राजा अजयपाल थे, तो उन्होंने अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। तो ऐसी यहाँ का एक इतिहास कहता है, सच में देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत बहुत महान स्थान है। यहाँ पर है ये एक स्कूल। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिड़सू देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल। और एक चीज और दोस्तों, जो मैं आपको बताना भूल गया, उत्तराखंड में कुल मिलाकर 52 गढ़ हैं, तो उनमें से एक देवलगढ़ भी आता है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों, एक प्रवेश द्वार यहाँ पर है, ये नीचे के लिए जो जाता है रास्ता, वो जाता है राजराजेश्वरी मंदिर का रास्ता। हमें पहले जाना है ऊपर, यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर पे है सुमाड़ी गांव की माँ गौरा देवी मंदिर। तो चलिए चलते हैं, पहले वहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं। Thank you.
हम पहुंच चुके हैं प्राचीन सिद्ध पीठ। तो चलिए करते हैं यहाँ के दर्शन। और मैं भी यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा लगता है। किसको पता है, आगे चलो। यहाँ पर है भगवान श्री नरसिंह जी का मंदिर, और इनके बगल में है माँ तारा देवी मंदिर। देखिए ये है तारा देवी मंदिर, यहाँ से इधर जाएंगे। वेलकम टू देवलगढ़। अब देखिए हमको कहाँ जाना है, यहाँ से अंदर के जाएंगे हम, और यहाँ से हम ऊपर को चढ़ेंगे। यहाँ का रास्ता आप देखेंगे कुछ अलग ही तरह का है। अब यहाँ से हमको सीढ़ी चढ़नी है ऊपर के लिए। माता का मंदिर हमेशा ऊपर ऊपर ही जगह पर ही होता है, इसीलिए यहाँ का एक ऐसा महत्व है कि माता को ऊपर का स्थान दिया गया है, जहाँ से वो पूरे गांव पे नज़र रखती है, पूरे स्थानों को यहाँ से वो नज़र रखती है, उनकी दृष्टि रहती है, ऐसा यहाँ का भाव है। और यहाँ पे श्री बटुकनाथ भैरव जी का मंदिर, जो कि माता रानी के इस स्थान के रक्षक हैं, और अंदर है माता रानी की एक दिव्य बड़ी मूर्ति। वहाँ अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसीलिए मैं आपको अंदर दर्शन नहीं करा सकता। तो दोस्तों, गौरा देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे राजराजेश्वरी मंदिर। लेकिन उससे पहले यहाँ का कुछ नज़ारा देखिए, बड़ा सुंदर यहाँ से नज़ारा दिखता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो राजराजेश्वरी जी का मंदिर है, वो तो कहा जाता है कि वो राजवंशों की कुल देवी थी, तो इसलिए उनकी जो पूजा थी वो देवलगढ़ स्थित राजमहल के पूजा गृह में की जाती थी। और जब जनता के लिए एक और मंदिर की आवश्यकता महसूस की गई, तब जाकर यह गौरा देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। और जब गौरा देवी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ, तब वैसाखी के दिन सुमाड़ी गांव से श्री राजीव लोचन काला जी, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं माँ राजेश्वरी जी के प्रांगण में। ये है प्रवेश द्वार, बिल्कुल प्राचीन शैली में बना हुआ। और यहाँ पर देखिए स्थानीय महत्व, राजा देवल द्वारा देवलगढ़ को बसाया गया, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ से अंदर हम प्रवेश करेंगे। यहाँ पर जो ये दो गेट दिख रहे हैं, यहाँ पर बैसाखी के टाइम पे एक मेला लगता है, तो उस दौरान यहाँ पे माता एक झूला खेलती है, ऐसी मान्यता है, ऐसा भाव है यहाँ के लोगों का। और देखिए कितना सुंदर स्थान यहाँ पर है, बिल्कुल प्राचीन शैली में सांस्कृतिक और धार्मिक हमारी धरोहर, बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़ारा भी दिखता है। और देखिए कितना सुंदर यह मंदिर है। अभी यह मंदिर बंद है, हम एक ऐसे समय पर आए हैं जिस समय यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन हमने यहीं से प्रणाम किया और माँ राजराजेश्वरी जी के सुंदर दर्शन किए। ये जो मंदिर है, यह 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि माता रानी को एक समर्पित है। और उस समय गढ़वाल के राजाओं की यह कुल देवी मानी जाती थी, तो हर साल यहाँ पर बैसाखी को अप्रैल के महीने में एक मेले का आयोजन होता है, और माना जाता है कि यह 7वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। और अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान कुबेर ने ही स्वयं इस मंदिर का निर्माण किया था, तो ऐसी यहाँ की मान्यता है। और यह सुंदर प्राचीन वास्तुकला को दर्शाने वाला एक सुंदर उदाहरण है, जो कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को हमें संरक्षित करना चाहिए, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। और बहुत सुंदर यहाँ पर हमको अच्छा लगा आके। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप भी यहां आना चाहें तो आप उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में आकर यहां के दर्शन कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे साथ बने रहिए ऐसी यात्राओं के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।